गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस। एज वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फायर एंड आइस। इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हियर इन दिस पोएम लेट्स रीड इट। सम से द वर्ल्ड विल एंड विद द एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that a destruction is, it's also great and would suffice means sufficient. Okay, so what the poet want to say in this poem? So poet कहता है कि कुछ लोग हैं, मतलब दुनिया में दो लोग हैं जो कहते हैं कि, उनमें से एक जो ग्रुप है वो कहता है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, अर्थ है, वो फायर से ख़त्म होगी, एंड द सेकंड ग्रुप से नहीं, वो बर्फ़ से ख़त्म होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ का कोर है वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो गर्मी बाहर निकलने लगेगी और धीरे धीरे सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब सारे लोग मर जाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि फिर ये रहने लायक नहीं रहेगा, और उसका अंतिम मतलब एंड में रिज़ल्ट यही होगा कि लोग उसमें रह नहीं पाएंगे। तो दोनों के अपनी अपनी थ्योरी है कि जिस हिसाब से लोग कैसे ख़त्म होंगे। बट पोएट कहता है कि उसी तरह जैसे अर्थ के ख़त्म होने की बात हो रही है, वैसे ही एक इंसान अपने आप को दो तरीके से ख़त्म कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ डिज़ायर एंड सेकेंड वन इज़ हेट। वो डिज़ायर मतलब लोगों के अंदर अपनी कुछ इच्छाएं होती है, डिज़ायर मतलब यही होता है कि इच्छा होती है बहुत ज़्यादा, तो वो अंदर कभी कभार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जस्ट लाइक फायर। इसे डिज़ायर को हमने फायर से कंपेयर कर रखा है। जैसे कि फायर है वो अर्थ के कोर में है, जब तक वहाँ है तब तक ठीक है, बट वैसे ही जो डिज़ायर है अगर किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे उसे ख़त्म करना शुरू कर देती है। जब तक वो अंदर है ठीक है, बट ज़्यादा हो जाती है तो बाहर आ जाती है और इस तरह वो पर्सन को वहाँ पे ख़त्म कर देती है। और जो पोएट है वो कहता है कि आई फेवर, मतलब वो कहना चाहता है कि वो फायर के साथ फेवर करता है, कि मतलब जो पोएम पोएट है वो कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि फायर से ही ख़त्म होगी और डिज़ायर से भी। बट इफ़ द अर्थ हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, अगर मान लो उसे दोबारा ख़त्म होना हो, दूसरी बार दोबारा ख़त्म होना है, तो हेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, हेट या आइस भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड यू नो हेट क्या होता है? हेट मतलब किसी को किसी पे गुस्सा होना, किसी पे किसी से नफरत करना। तो एक तरीके से जो नफरत है, आइस भी क्या होती है? बाहर से होती है। आइस क्या होती है? अंदर नहीं होती, आइस बाहर होती है, बट वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर देता है। आइस कहने में हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर होती है, ठंडा है, बट धीरे धीरे वो अर्थ को ख़त्म कर देती है। तो सेम हेट, हम हेट किसी और को करते हैं, बट वो चीज़ धीरे धीरे हमें ख़त्म करने लग जाती है। लाइक आप किसी को हेट करते हो, तो आप जब भी वो पर्सन कुछ अच्छा करेगा तो आप उसका आपके लिए हेट बढ़ता जाएगा उसके लिए। उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितना हेट करते हो, बट दैट हेट ईट्स यू। वो जो हेट है वो आपके कैरेक्टर को या आपके जो पर्सनैलिटी है उसे गिरा देता है। सो दैट्स अनदर वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पर्सन। सो दैट वॉज द थिंग दैट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन्ट टू से टू यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। रीड इट अगेन एंड कंप्लीट द ग्लोसरी एंड क्वेश्चन आंसर सबमिट टू योर सब्जेक्ट टीचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।